नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को संबोधित किया। इस बार पीएम मोदी ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन जिस बात पर पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा जोर दिया है वो है किसान। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के काल में भी कृषि क्षेत्र ने अपना दमखम दिखाया है। देश के किसान गांव जितना मजबूत होंगे, देश उतना आत्मनिर्भर होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान की मजबूती से ही आत्मनिर्भर भारत की नींव बनेगी। किसान मजबूत होगा तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। पीएम ने कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी अडिग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपने जीवन में बहुत लंबे अरसे तक एक परिव्राजक के रूप में रहा हूँ। घुमंत ही मेरी जिंदगी थी, हर दिन नया गांव, नए लोग, नए परिवार। भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा कोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है, ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर परिवार में कोई ना कोई बुजुर्ग बड़े व्यक्ति परिवार के कहानियां सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा भर देते हैं। कहानियां लोगों के रचनात्मक और संवेदनशील पक्ष को सामने लाती हैं, उससे प्रकट करती हैं। कहानी की ताकत को महसूस करना हो तो जब कोई माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए या फिर उसे खाना खिलाने के लिए कहानी सुना रही होती है तो उसे सुने। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की भी अपील की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के समय 2 गज की दूरी बनाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस कालखंड में पूरी दुनिया अनेक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। आज जब 2 गज की दूरी एक अनिवार्य जरूरत बन गई है, तो इसी संकट काल ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का भी काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।